के ऊपर जो टिक्की है पूरी क्रिस्पी हो चुकी है। अब जो इनका प्रोसेस है वो आप काटने का तरीका देखो, क्या बात है, टुकड़े ही टुकड़े कर दिए, जबरदस्त। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं हॉल ग्लेड, कहाँ पे भैया ही बताएंगे, कौन सी प्लाया मार्केट, हॉल गेट के सामने। हाँ जी, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनकी जो है बन टिक्की इतनी ज्यादा फेमस है, इतनी ज्यादा मशहूर है, पूरे अमृतसर में लोग यहाँ पे इनकी पसंद करते हैं बन टिक्की। और कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, ये ऐसा नहीं कि नॉर्मली सिंपल तरीके से बना दी हो, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा यहाँ पे बनती कैसे है बन टिक्की। कितने सालों से बना रहे हो आप? मुझे यहाँ पे 30 साल हो गई। 30 साल? 30 यहीं पे? हाँ जी। क्या बात है, शुरुआत बन टिक्की से ही करी थी? हाँ जी, हाँ जी। बहुत जबरदस्त। तो जब शुरू करा था जब कितने रुपए का था? जब पे 5 रुपए का प्लेट। 5 रुपए की? अरे, और अब 5 रुपए की बन टिक्की। और अब कितने की हो गई? अब ये 30, 40 रुपए। अब 40 रुपए की बन टिक्की है, मसाला वसाला लगा के। बहुत जबरदस्त। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आपको दिखा दूं, ये इनका एक खास मसाला होता है, ये किस चीज का होता है? ये माँ की दाल का मसाला है। ये है वो मेन मसाला, माँ की दाल का मसाला। और साथ में क्या डालते हो इसमें? कुछ छोले की दाल। छोले की दाल भी? हाँ जी, हाँ जी। अजी वाह, बहुत जबरदस्त। और साथ में टिक्कियां भी? हाँ जी, हाँ जी। भाई ये इनकी टिक्की है, देखो सिक रही है। और ये किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। बहुत जबरदस्त। हाँ जी, मिल जाएगी मैडम। साथ में ये देखो भाई, ये बन आ गया। क्या आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया इस तरीके से बनाई जाए? हाँ जी, किसी ने बताया या खुद ही सोचा? मारा ये आप ही करते हैं इस काम को। हाँ जी, खाना। ये देखो भाई, ये पहले बन पे इन्होंने टिक्की लगाई एक, अब इसके ऊपर मसाला जाएगा। हाँ जी, ये है इनका स्पेशल दाल वाला मसाला, ये देखिए भाई, ये इन्होंने चिपका दिया इसके ऊपर। तो ये बन के ऊपर चिपका के भी लगाते हो और खाली टिक्की पे भी चिपका देते हो? हाँ जी, हाँ जी, बात एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये टिक्की किस चीज की होती है? ये आलू की टिक्की की। इसमें कुछ और भी डालते हो? सिर्फ आलू मसाला? दाल मसाला। तो भाई पहले जो है एक टिक्की को इन्होंने क्रश कर लिया है, क्रश फाड़ दिया है, अब ये दाल वाला मसाला। हाँ जी, अब इसका क्या करोगे? ये भाई होगी जी, ये आगे जी तेल में फ्राई होने, तो अब इसको सेक दोगे? ये लो जी, ये हो गया जी, अब ये इसमें होगा बढ़िया से, एकदम क्रिस्पी करा रहा। एकदम क्रिस्पी करके देंगे ये इसको। तो भाई ये जो बन है तैयार हो चुका है यहाँ पे। ये प्याज भी काटो ना इधर, प्याज की तरफ लगाओ। अच्छा जी, ये आ गया जी कैमरा प्याज की तरफ। और ये देखो भाई क्या स्पीड से काटते हैं, बिना देखे नहीं, देख तो रहे बिना देखे भी काट देते हैं लोग, बिना देखे भी काट देंगे, ऐसी क्या बात है। बहुत बढ़िया, नजर है उधर, प्याज है इधर। तो जी अब ये तैयार है। अजी वाह, क्या क्रिस्पी कर दिए यार एकदम। भाई बन के ऊपर जो टिक्की है पूरी क्रिस्पी हो चुकी है। अब जो इनका प्रोसेस है वो आप काटने का तरीका देखो, क्या बात है, टुकड़े ही टुकड़े कर दिए, जबरदस्त। भाई बन टिक्की जो है पूरी पीसीस में जांच हो चुकी है बढ़िया से। तो भाई ये आ गई जी प्लेट। हाँ जी, 80। अगली में काटने का शॉट बना दूंगा। और ये आ गई जी दूसरी प्लेट। अब जी क्या क्या डालोगे इसमें बताते जाओ। ये पुदीने वाली चटनी जी। ये आ गई जी पुदीने वाली चटनी, ये दोनों में। बहुत बढ़िया। और क्या है जी? ये आ गई जी गुड़ वाली चटनी। ये आ गई जी गुड़ वाली। हाँ जी, वही ना देसी गुड़। गुड़ और इमली वगैरह की बनाते हो? हाँ जी, नागचूर। हाँ जी, बहुत जबरदस्त। ये दही आ गई, क्या बात है, पूरी मतलब चाट की तरीके से बना के देते हो। हाँ जी। तो भाई यहाँ पे अमृतसर में बहुत लोगों को पसंद है, ये बहुत ही फेमस है। ये प्याज जी। प्याज आ गई जी। और ये तैयार है? हाँ जी, ये भाई तैयार हो चुकी है। कितने की? 40? 40 रुपये। बहुत जबरदस्त। तो भाई हमारी बन टिक्की आ चुकी है और काफ़ी सारा इन्होंने प्याज ऊपर से दही चटनी वगैरह सब कुछ डाल के दिया है। बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। एक इसका बाइट लेके देखते हैं।
बहुत ज़्यादा चटपटी है, बढ़िया है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि बन खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो, कुछ चाट सी लग रही है, बढ़िया सी एकदम क्रिस्पी करके दी हुई। ये देखो काफ़ी बढ़िया है, मज़ेदार है। तो भाई अगर ये चीज़ आपको अमृतसर में ट्राई करनी हो, अभी तक शायद ये किसी ने नहीं दिखाया है आपको, लेकिन हम दिखा रहे हैं ये वाली बन टिक्की दाल मसाले वाली। एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आए ज़रूर, ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शुक्रिया।